हेलो एंड वेलकम टू द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। देखिए, आज डेट है 24th of May। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 24th of May का द हिंदू। देखिए, पहले न्यूज़ वाला सेक्शन कवर करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जैसा कि आज संडे है, तो संडे को एक स्पेशल एडिशन आता है जिसमें एडिटोरियल्स नहीं होते हैं, लेकिन एक साइंस का स्पेशल पेज आता है और एक फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का स्पेशल पेज आता है, जिसमें तीन टॉपिक काफ़ी ब्रीफली कवर किए होते हैं, काफ़ी आप कह सकते हो डिटेल में आप मैं कहूँ तो कवर किए होते हैं। अब देखिए, न्यूज़ सेक्शन में बताया जा रहा है कि अभी 2600 श्रमिक स्पेशल ट्रेन, यानी श्रमिकों के लिए, जो माइग्रेंट लेबर हैं उनके लिए 2600 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की बात की जा रही है अगले 10 दिनों में। जैसा कि हम देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा जो माइग्रेंट लेबर हैं अभी भी वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने नेटिव प्लेसेस में पहुँचने के लिए, ठीक है। तो अभी रेलवे ने डिसीजन लिया है कि जो भी अभी तक मेजर्स लिए गए थे वो सफिशियंट साबित नहीं हो रहे हैं, बहुत ही कम लोग उससे घर पहुंच पा रहे हैं। तो अभी 2600 और ट्रेनें चलाने की बात की जा रही है अगले 10 दिनों में। और देखिए, एक रिपोर्ट बता रही है कि 4 करोड़ माइग्रेंट लेबरर हैं, ठीक है। इतने सारे माइग्रेंट लेबरर हैं तो हमें ट्रेनों की संख्या कुछ बढ़ानी पड़ेगी। इंटरनेशनल फ्लाइट्स कुड टेक ऑफ बाय मिड जून, तो मिड जून तक इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स हैं वो स्टार्ट की जा सकती है अगर सिचुएशन कंट्रोल में आने लगी तो, ऐसा कहना है हमारे एविएशन मिनिस्टर हरदीप पुरी सिंह जी का, ठीक है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या कंडीशन रहती है जून तक और क्या सिचुएशंस कंट्रोल में आ पाती है और प्लेनें चालू हो पाती हैं। और यहाँ देखिए, केसेस की बात की जा रही है कि अभी एक्टिव केसेस 73,000 के आसपास हैं, 3,000 आप कह सकते हो कि 4,000 डेथ हो चुकी है और 54,000 लोग रिकवर हो चुके हैं। महाराष्ट्र देखिए कितना लीड कर रहा है, सबसे ज़्यादा केसेस महाराष्ट्र में ही देखने को मिल रहे हैं। तो ये सिचुएशन अभी चल रही है अगर बात करें हम न्यूज़ की तो। चलिए और आगे देखते हैं कि न्यूज़ सेक्शन में क्या क्या है चीज़ें कवर करने के लिए। देखिए, जैसे आगे बढ़ेंगे, ये तो सिटी वाला पेज है तो इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ इस पेज में आती नहीं है। अब देखिए, हीट वेव एक नया चीज़ देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे अभी गर्मियाँ काफ़ी है तो बहुत सी जगह हीट वेव यानी ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। और यहाँ देखिए, सिक्किम में अभी पहला जो कोविड केस है देखने को मिला है। सिक्किम अभी तक जो कोविड से फ्री था यानी वहाँ पर एक भी केसेस नहीं थे, वहाँ अभी पहला केस देखने को मिल चुका है। अब अगर आगे हम मैप देखें तो देखिए, सिक्किम यहाँ पर है। सिक्किम देखिए नेपाल से सटा हुआ है, भूटान से सटा हुआ है और नीचे बांग्ला आप कह सकते हैं वेस्ट बंगाल से सटा हुआ है और ऊपर चाइना वाला जो तिब्बत वाला रीजन है वहाँ से सटा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गई सिक्किम की आप कह सकते हो लोकेशन। अभी तक यहाँ पर एक भी केस देखने को मिला नहीं था, लेकिन अब पहला केस देखने को मिल चुका है। और यहाँ पर देखिए, अभी ज़्यादा से ज़्यादा जो फार्मर्स हैं वो अभी शिफ्ट हो रहे हैं, आप कह सकते हो कि कॉटन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। राइस वगैरह जो खरीफ क्रॉप में मेन क्रॉप होती थी उससे अभी लोग रिफ्रेन कर रहे हैं कि क्रॉप नहीं, राइस क्रॉप नहीं उगाई जाएगी, अब कॉटन की तरफ मूव कर रहे हैं जो पंजाब हरियाणा वाला रीजन है, क्योंकि राइस जो है वो ज़्यादा लेबर इंटेंसिव क्रॉप है, उसमें ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है और जो कॉटन है वो लेस लेबर इंटेंसिव है एज़ कम्पेयर टू पैडी, ठीक है। तो अभी जो खरीफ सीज़न आएगा उसमें कॉटन की तरफ मूव कर रहे हैं। और एक दिन पहले हमने एक और आर्टिकल देखा था जिसमें हमने देखा था जो डायरेक्ट सीडिंग ऑफ द राइस, ये एक नया टेक्निक लगाया जा रहा है जहाँ पर राइस उगाई जा रही है। पहले जो नर्सरी के रूप में पहले जो छोटे बहुत पौधे उगा कर फिर उसको निकाल लिया जाता था, फिर उसकी रीप्लांटिंग की जाती थी जो कन्वेंशनल तरीका था उससे मूव करके, अभी डायरेक्ट सीडिंग ऑफ द राइस एक नया टेक्निक यूज़ किया जा रहा था। तो इस पेंडेमिक में इस तरीके से जो एग्रीकल्चर के ऊपर इफेक्ट देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बात करते हैं और कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है देखने के लिए। अब यहाँ देखिए, एक्सेप्ट मॉडिफिकेशन इन दी डेली लाइफ ऑफिस और रूटीन। तो अभी जो सुप्रिया सुले हैं महाराष्ट्र की, ये नेता हैं, इन्होंने कहा है कि जो ये कोरोना वायरस है वो जल्दी से जाने की दिखाई दे नहीं रहा है, तो आपको अपने जो डेली लाइफ है और जो ऑफिस रूटीन है उसमें बदलाव लेके आना पड़ेगा ताकि आप इसके साथ किस तरीके से एडजस्ट करके रह पाएँ, ठीक है, उस बारे में बात की जा रही है। अब यहाँ देखिए, इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है स्टेट गारंटी फार्म लोन फॉर दोज येट टू गेट वेवर। तो अभी देखिए, महाराष्ट्र की सरकार ने जो लोन वेवर की बात की थी, जो महात्मा ज्योतिराव फुले क्रॉप लोन वेवर स्कीम है, महात्मा ज्योतिराव फुले क्रॉप लोन वेवर स्कीम, ये महाराष्ट्र की स्कीम है, आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये महाराष्ट्र स्पेसिफिक स्कीम है, ठीक है। तो इसके तहत जितने भी लोगों का वेव किया गया था उनको तो वेवर हो गया था, लेकिन जिनको नहीं मिला था उनको भी गवर्नमेंट अभी गारंटी दे रही है कि वो भी जाके लोन ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि उनका वेवर नहीं हुआ है, पहले का लोन बाकी है तो उनको लोन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ अभी महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। अब यहाँ देखिए, जो स्प्रिंकलर जो यूएसए की फर्म थी, ठीक है, जो आप कह सकते हो केरला में काम करती थी, जो अभी आरोग्य सेतु, जैसा कि गवर्नमेंट ने ऐप निकाला था जो कोविड पेशेंट का आप कह सकते हो जो सभी का ट्रैक करती है कि कौन पॉजिटिव है, कौन कहाँ जा रहा है, उसके कॉन्टैक्ट में कौन है, ये स्प्रिंकलर भी उसी तरीके का ऐप था जो डाटा रखता था, आप कह सकते हो कि सर्विलांस रखता था कि किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, अगर कोई पॉजिटिव है तो किधर है, क्या है, उसके कॉन्टैक्ट में कौन है। तो ज़्यादा से ज़्यादा डाटा इसके पास चले जाने का डर था, तो ये एक इशू बीच में निकल के आया था। तो अभी जब
सेंटर के पास ये बात पहुंची, तो अभी इसको बोल दिया गया था कि इस कंपनी को भी हटा दिया जाएगा, तो इसको हटा दिया गया, फिर डाटा इसको नहीं दिया गया आगे से। और अभी बोला जा रहा है जो भी बैकअप डाटा था इसके पास वो भी डिलीट करने की बात की गई है, ठीक है। तो अभी ये भी डाटा डिलीट कर देगा जो भी इसके पास बैकअप था। अब यहाँ देखिए, डिटेल ऑफ दी 2.9 करोड़ जॉब सीकर ऑन दी डार्क नेट। अभी डार्क नेट क्या चीज़ है? देखिए, डार्क नेट ही जो नेट है उस पर डार्क नेट एक ऑप्शन आता है कि इससे पता नहीं चलता है कि कौन किधर से क्या ट्रेस कर रहा है। तो बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ जो साइबर क्राइम है वो सब डार्क नेट पे ही की जाती है। जो आप कह सकते हैं जो सब्सटेंसेज होते हैं, जो ड्रग्स वाले सब्सटेंसेज हो, वो भी डार्क नेट से ट्रेड किए जाते हैं, ठीक है। तो सब इलीगल चीज़ें जो है वो डार्क नेट से की जाती है। और अभी जो जॉब सीकर्स के बहुत सारे जो 3 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली डाटा है उनका डार्क नेट पे जा चुका है। और अभी यहाँ देखिए, जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन है, प्रूफ ऑफ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन एफिकेसी विल बी अवेलेबल इन जुलाई, यानी जुलाई में पता चलेगा कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन जो है वो कुछ कारगर साबित होगी या नहीं साबित होगी। तब तक हम हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन पे ऊपर कोई भी आप कह सकते हो बात रख नहीं सकते हैं पूरी पुख्ता तौर पर, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जो कोरोना फी लगाया गया था, दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से 70% कोरोना फी लगा दिया था अल्कोहल लिकर पे, फिर हमने देखा आंध्र प्रदेश सरकार ने भी 75% लगाया था, ठीक है। तो ये एक काफ़ी अच्छा सोर्स साबित हुआ है वहाँ की गवर्नमेंट के लिए, एक अच्छा रेवेन्यू मिला है उनको। और उड़ीसा सरकार ने भी 50% लगाया था होम डिलीवरी तक पहुँचाने के लिए, फिर 50% उनको एक्स्ट्रा इनकम हो रही थी। तो एक अच्छा सोर्स बताया गया कि इससे कुछ गवर्नमेंट को काफ़ी, जो स्टेट की गवर्नमेंट है, अच्छा इनकम उनको मिला है। और यहाँ देखिए, ये कोविड-19 एक तरफ फैला हुआ है, वहीं दूसरी तरफ असम में बताया जा रहा है कि डेंगू और जापानी सेंसिफिलाइटिस इस तरीके की और बीमारियाँ फैल रही हैं। और एक तरफ अफ्रीकन स्वाइन फ्लू भी हमने देखा किस तरीके से जो असम वाला रीजन है वहाँ पर जो पिग्स हैं उनमें अफ्रीकन स्वाइन फ्लू देखने को मिला था। तो अप्रॉक्सीमेटली 3,000 पिग्स वगैरह को नलिंग कर दी गई थी, यानी उनको मार दिया गया था ताकि ये वायरस और ना फैले, ठीक है। तो इस तरीके से और भी डेंजरस बीमारियां देखने को मिल रही है। और अभी हमने एक चीज़ और देखा था कि किस तरीके से एक पेंडेमिक के बाद दूसरी अगर बीमारी की वेव आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, सेंडेमिक। सेंडेमिक ये एक शब्द हमने 1-2 दिन पहले के न्यूज़पेपर में देखा था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को कनेक्ट करना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, अभी लैटिन अमेरिका में इस दिन न्यू एपिसेंटर, ठीक है। तो लैटिन अमेरिका में अभी केसेस बढ़ रहे हैं, जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील में अभी अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा केस ब्राज़ील में देखने को मिल रहे हैं। 3,30,000 केस देखने को मिल चुके हैं, 21,000 के आसपास डेथ देखने को मिल चुके हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा केस अभी ब्राज़ील में देखने को मिल रहे हैं। तो देखते हैं ब्राज़ील कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका का मैप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये है ब्राज़ील, ब्राज़ील की कैपिटल ब्राज़ीलिया, ठीक है। और यहाँ पर जो अमेज़ॉन फॉरेस्ट में भी हमने देखा किस तरीके से आग फैली हुई थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हुई। यहाँ के प्रेसिडेंट जायर बोल्सोनैरो है। और इंडिया और ब्राज़ील के रिलेशन की बात करें तो इंडिया और ब्राज़ील दोनों ही ब्रिक्स जो ग्रुप है उसके मेंबर हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, और यहाँ पर काफ़ी अभी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी चली हुई है, क्योंकि यहाँ पर भी सिचुएशन इतनी ख़राब क्यों हो गई, क्योंकि यहाँ के जो प्रेसिडेंट है जायर बोल्सोनारो साहब, उन्होंने भी इतना लॉकडाउन को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया, ठीक है। तो सिचुएशन ख़राब होती चली गई। और अभी यूएसए के बाद सबसे ज़्यादा ख़राब हालत ब्राज़ील में है। और अगर साउथ अमेरिका की बात करेंगे तो साउथ अमेरिका में सबसे ज़्यादा हालत ख़राब ब्राज़ील में है। और यहाँ पर देखिए, अभी चाइना ने एक बात कही है कि जो उसका BRI का कंसेप्ट था उसमें अभी अप्रोच में थोड़ी सी शिफ्ट ले आई है, क्योंकि अभी जितने भी कंट्रीज़ को उसने डेप्ट वगैरह दिया था तो वो सारी कंट्रीज़ अभी डेप्ट पे करने के सिचुएशन में नहीं है, क्योंकि कोविड-19 से सभी कंट्रीज़ की जो इकॉनमी है वो काफ़ी गिरी हुई है। अब यहाँ देखिए, उन्होंने कहा है कि वी विल फोकस ऑन द क्वालिटी इन जॉइंट परसुएट ऑफ द BRI, यानी बेल्ट रोड इनिशिएटिव। तो अभी वो क्वालिटी पर फोकस करेंगे और भी इसको प्रोजेक्ट को खींचेंगे नहीं, ताकि जो बर्डन कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर और बर्डन ना आ जाए, ठीक है। अगर उनके ऊपर और बर्डन आ जाएगा तो वो पे बैक करने की सिचुएशन में नहीं रहेंगे। तो अभी एक नया अप्रोच लेके आया है, क्वालिटी के ऊपर बात करेगा चाइना। ये देखिए, जो बेल्ट और रोड इनिशिएटिव है इसके तहत ये देखिए, एक ये जो मरीन रूट वाला एक रास्ता ये अपनाया जाएगा, और एक ये जो लैंड रूट वाला रास्ता अपनाया जाएगा, ठीक है। ये दो तरीके, ये दो बेल्ट बनाई जा रही है जिसका नाम दिया गया है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है। ये वाला जो है दो रूट बना के पूरा का पूरा एरिया कवर करना चाहता है जो चाइना है, ताकि वो पूरे वर्ल्ड में फैल जाए और पूरे वर्ल्ड में उसकी आप कह सकते हो जो ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाए और उसका जो ट्रेड है वो बढ़े, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम कर रहा है, अब देखने वाली बात होगी। और इंडिया इसके अगेंस्ट में क्यों है, क्योंकि यहाँ से जो
गिलगिट बल्तिस्तान वाला रीजन है, वहाँ से वो सीपैक भी निकाल रहा है, ठीक है। जो सीपैक में अगर वो गिलगिट बल्तिस्तान से निकाल रहा है तो भारत से बात नहीं कर रहा है, बिना भारत से बात किए उसने सीधा पाकिस्तान के साथ मिलकर सीपैक के ऊपर काम करने की बात कर रहा था, इसलिए भारत BRI का सपोर्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ें भी देखने को मिली है बेल्ट रोड इनिशिएटिव में, ठीक है। अब देखिए ये जो डॉटेड वाला पोर्शन है वो है मरीन सिल्क रूट, इसका नाम क्या है, मरीन सिल्क रूट, और ये सिल्क रूट इकोनॉमिक बेल्ट है, ठीक है। ये जो वाला पोर्शन है इसको क्या कहा जाता है, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, ठीक है। तो दोनों को सेपरेटली नाम है और ओवरऑल बेल्ट रोड इनिशिएटिव नाम है। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। देखिए अगर आगे देखें तो आगे देखिए यहाँ पर बात की जा रही है, जो चाइना है वो सेटअप कर सकते हैं एक इंटेलिजेंस एजेंसी हांगकांग में, ठीक है। इट कुड बी सिमिलर टू ब्रिटिश एरा ब्रांच, जैसा ब्रिटिश एरा में इंटेलिजेंस एजेंसी वहाँ पे लगाई जाती थी, उस तरीके का मूव ले सकता है। तो चाइना न्यू नेशनल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन पास करने की बात कर रहा है, जिसमें क्या होगा कि वो जो नेशनल सिक्योरिटी का जो लॉ है वो चाइना बनाएगा हांगकांग के लिए। तो इससे लेकर हांगकांग काफ़ी खफा है और वो एक इंडिपेंडेंस चाहता है, वो चाइना के अंडर में रहना नहीं चाहता है। जैसा यहाँ पे क्या फॉलो किया जाता है, वन कंट्री टू सिस्टम, वन कंट्री टू सिस्टम, यानी हांगकांग रहेगा तो चाइना के अंदर ही, लेकिन सिस्टम जो वहाँ पर डेमोक्रेसी है वो वहाँ के हिसाब से चलेगी, जो वहाँ पर लेजिस्लेचर वहाँ के हिसाब से चलेगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ के हिसाब से चलेगी, जो जुडिशरी वो वहाँ के हिसाब से चलेगी। इसमें चाइना का इंटरफेरेंस उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से वो लेके चलना चाहते हैं, और जो फॉरेन अफेयर्स हैं वो सब के ऊपर चाइना का आप कह सकते हो कि उसके चाइना के ज्यूरिसडिक्शन में आता है। तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर लेके चलने की बात होती है, लेकिन अभी चाइना ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है तो काफ़ी वहाँ पर तनाव बना हुआ है। अभी देखिए US होल्ड्स टॉक ऑन कंडक्टिंग न्यूक्लियर टेस्ट, तो अभी US जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट करने की बात कर रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि मैं आगे चल के अगर ऐसे कदम US लेगा तो बाकी जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वो भी एक आर्म रेस में लग जाएं, सब लोग न्यूक्लियर रेस में लग जाएं, और एक ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वर्ल्ड देखने को मिल सकता है। तो देखिए फर्स्ट US न्यूक्लियर टेस्ट सिन 1992, यानी 1992 के बाद पहली बार ऐसा कोई न्यूक्लियर टेस्ट करने की बात अमरीका कह रहा है, ठीक है। तो एक न्यूक्लियर आर्म रेस देखने को मिल सकती है, अगर ऐसा ही हर एक कंट्री ऐसा बोलता रहा तो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और USA की बात करें तो USA तो जब से वहाँ के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बने हैं तब से वो काफ़ी आप कह सकते हैं विवादास्पद उनके स्टेटमेंट आते भी हैं। अभी उन्होंने कहा था कि वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कंज्यूम करते हैं, और फिर उन्होंने अभी US की ओपन ट्रीटी से कह सकते हो कि विड्रॉल कर रही है, जो चाइना के रशिया के साथ थी और 34 मेंबर्स थे उसमें, ठीक है। तो वहाँ से विड्रॉल देखने को मिला है, और भी बहुत सारे UN के फोरम से उनका विड्रॉल देखने को मिला है। तो इस तरीके से भी USA के कदम देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ देखिए एक्सटेंड लोन विदाउट फियर ऑफ 3 Cs, तो अभी जैसा कि हमने देखा है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने काफ़ी कुछ आप कह सकते हो कि इकोनॉमिक पैकेजेस अनाउंस किए हैं, जिसके तहत जो गवर्नमेंट है उसका मोटो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी इकोनॉमी में फैले। तो एक लिक्विडिटी पहुंचने के लिए जो बैंक है उनको लिक्विडिटी ग्राउंड लेवल पे पहुंचाने का बहुत बड़ा रोल उनके ऊपर है। तो वो अभी निर्मला सीतारमण जी का कहना है कि बैंकों को फियर नहीं करना चाहिए, जो 3 से CBI CVC और CAG, इनके इनसे डरना नहीं चाहिए कि ये बैंकों के अगेंस्ट क्या आप कह सकते हो कि क्या इंस्पेक्शन करेंगी कि उसकी उन्होंने किसको किसको लोन दिया है, ठीक है। उनकी कम फिक्र करें, उनसे कम डरिए, और जो लिक्विडिटी पहुंचाने का मेन रोल है अभी उनके पास उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। तो ये चीज़ अभी देखने को मिली है। अब यहाँ देखिए इनका कहना है कि जो ड्यूअल एडवांटेज मिलेगा टू बेनिफिट इंडिया, तो वही बात की जा रही कि ज़्यादा से ज़्यादा अभी जो कंट्री चाइना छोड़ेगी उसको इंडिया में कैसे लाया जाए, कैसे इंडिया को एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाया जाए, ठीक है। तो ये हो गया न्यूज़ वाला सेक्शन। अब हम देख लेते हैं जो स्पेशल सेक्शन कवर किया जाता है संडे को, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन है, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या आज बताया गया है। तो इसमें देखिए एक भी जो एडीनो वायरस COVID-19 वैक्सीन के ऊपर काम किया जा रहा था, उसका जो फेज़ 1 है ट्रायल का उसको कंप्लीट हो गया है। तो इसको सेफ फाउंड किया गया है कि ये काम कर रहा है, ये जो वैक्सीन है फिलहाल तो काम कर रही है, फेज़ 1 के ट्रायल में पास हो गया है, और जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्टअप कर रही है, ठीक है। द वैक्सीन वॉज फाउंड टू इलेसिएट, यानी ये बढ़ा रहा है जो एंटीबॉडीज है उसको ज़्यादा प्रोड्यूस करवा रहा है, और स्पेसिफिक टी सेल के रिस्पॉन्स को भी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। तो आप कह सकते हो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है इस वैक्सीन के लिए कि हाँ हो सकता है कि फ्यूचर में ये
वैक्सीन कारगर साबित हो। तो देखिए इसका नाम क्या है, Ad5-nCoV, ठीक है। ये जो स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ये क्या होता है, जब सपोज करिए ये कोरोना वायरस है और इसके ऊपर ये जो डंडी सी निकली होती है, ये होता है स्पाइक्स, ठीक है। इसको स्पाइक्स ग्लाइकोप्रोटीन, ये प्रोटीन से बने होते हैं और यही वाला रीजन होता है जो जाके बाउंड करता है जो रिसेप्टर सेल होते हैं ह्यूमन सेल्स पर, ठीक है। तो यहीं पर सभी वैक्सीन का काम है कि किस तरीके से ये जो बाउंडिंग एरिया है इसके ऊपर ही अटैक किया जाए, क्योंकि यही वाली पोजीशन है जहाँ से वायरस को ब्रेक किया जा सकता है, ठीक है। तो अब देखने वाली बात होगी कि फ्यूचर में इसके क्या परिणाम निकल के आते हैं फ्यूचर ट्रायल्स में। अब यहाँ पे देखिए एक काफ़ी रोचक स्टडी अभी ये निकल के सामने आई, क्योंकि जो फीसेस के सैंपल हैं उनसे किस तरीके से इन्फेक्शन फैल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक स्टडी भी निकल के आ रही, तो पाया गया है कि इससे भी काफ़ी हद तक इन्फेक्शन फैल सकता है, ठीक है। दिस रेजेज द पोटेंशियल फॉर फीकल ओरल और फीकल रेस्पिरेटरी ट्रांसमिशन, ठीक है, थ्रू एरोसोलाइज फेसिस, ठीक है। जो एरोसोलाइज हो जाते हैं यानी जो काफ़ी छोटे छोटे कण हो जाते हैं और जो हवा में मिल जाते हैं, फिर वो आप रेस्पिरेटरी के थ्रू यानी श्वास लेंगे तो उसके थ्रू भी शरीर में जा सकता है। तो ये काफ़ी डेंजरस स्टडी देखने को मिली कि इस तरीके से भी फैल सकता है वायरस, ठीक है। तो इसमें भी देखिए देखा गया कि कन्फर्मेशन ऑफ द इन्फेक्शन वायरस इन द फेसिस सैंपल रेसेज द पोटेंशियल फॉर फीशल ओरल एंड फीकल रेस्पिरेटरी ट्रांसमिशन, ठीक है। यानी फीकल ओरल और यानी मुँह के थ्रू, नाक के थ्रू, या फिर आप सांस लेंगे तो नाक के थ्रू भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक डेंजरस स्टडी भी पाई गई है, क्योंकि अगर इस तरीके से भी फैलेगा तब ज़्यादा चांसेस है कि, क्योंकि ये सीवेजेस में भी जाता है, तो सीवेजेस बहुत से जगह ओपन रहते हैं, बहुत से जगह अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है सीवेजेस का, तो वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा फैलने की चांसेस हैं, ठीक है। तो स्लम वाले इलाके में तो और भी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाएगी। अब आगे देखिए 2003 जो सार्स कंडीशन है, सार्स जो 2003 में फैला था, तब के एक स्टडी उससे कंपेयर किया गया है कि जो 329 रेसिडेंट ऑफ प्राइवेट हाउसिंग स्टेट थे वहाँ पर हांगकांग में, वो इन्फेक्टेड थे और 42 डाई हो गए थे। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि वहाँ के सीवेज बराबर सीवेज नहीं था, ठीक है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब था। तो पाया गया कि जो एरोसोलाइज कंटेमिनेट फीसेस थे उससे वायरस फैला है, काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन उससे फैला है। तो उसी तरीके से ये जो SARS-CoV-2 है ये भी उसी तरीके से फैल सकता है और ट्रांसमिट कर सकता है, तो काफ़ी डेंजरस होगा। अब यहाँ देखिए एक स्टडी एक ह्यूमन के ऊपर देखा गया जो 78 ईयर ओल्ड है, उसको जब एडमिट किया गया तो उसका स्टूल चेक किया गया और फिर पाया गया कि उस स्टूल से भी RNA जो ये वायरस है वो पाया जा रहा है, यानी कि उससे भी ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये एक डेंजरस चीज़ अभी पता चली है, तो देखने वाली बात होगी कि अब इसको किस तरीके से गवर्नमेंट या फिर जो भी एजेंसीज हैं वो अपने नोटिस में लेती हैं, जो ICMR है वो सब इसको अपने नोटिस में लेती हैं और इसके ऊपर क्या मेजर्स लेके आते हैं। और यहाँ देखिए एक अभी स्टडी एक और निकल कर आई है, तो देखिए जो साइंस वाला पेज होता है उसमें काफ़ी डिटेल में बातें बताई जाती हैं कि किस तरीके से अभी फ़िलहाल चीज़ें चल रही हैं और फुल एकदम माइक्रो लेवल पे सब कुछ डिटेल में बताया जाता है। तो देखिए अभी बताया जा रहा है कि जो ब्लड क्लॉट है इन द लंग्स ऑफ द मेजर इज द मेजर कॉज ऑफ द COVID-19 डेथ, ठीक है। जो COVID-19 से डेथ हो रही है तो उसमें बहुत सारे लोगों में ये पाया जा रहा है जो लंग्स है उसमें जो ब्लड है वो क्लॉट हो जा रहा है, ठीक है। तो ये एक बड़ा रीज़न पाया जा रहा है कि क्या रीज़न है डेथ का। अब देखिए आगे बताया जा रहा है कि जो एलिवेटेड लेवल है ऑफ द मार्कर थ्रोम्बोसिस, ठीक है, तो ये थ्रोम्बोसिस का जो लेवल है वो एलिवेट कर जाता है, वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो उससे चलकर जो ब्लड है वो काफ़ी ठीक हो जाता है और ब्लॉक हो जाता है, तो क्लॉट हो जाता है, जिससे कि आप कह सकते हो रेस्पिरेशन में काफ़ी दिक्कत होती है और फिर अल्टीमेटली डेथ देखने को मिलता है, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है पर्टिकुलर पेशेंट की। अब आगे देखिए इसमें बताया जा रहा है कि कॉज ऑफ द डेथ इज ऑलमोस्ट ऑल पेशेंट इज रेस्पिरेटरी फेलियर, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल पेशेंट में क्या देखा जा रहा है कि रेस्पिरेटरी फेलियर हो जा रहे हैं, जिसको आप पल्मोनरी थ्रोम्बोसिस कहते हो, कि जब वहाँ पर ब्लड क्लॉट हो जाए और ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड करने लगे, ठीक है। अब देखिए आगे बोला गया है जो एलिवेटेड लेवल ऑफ जो डीमर है, ठीक है, डीमर ये एक चीज़ है, इसका जब एलिवेशन हो जाएगा, जब ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जनरल मेकर ऑफ थ्रोम्बोसिस, ठीक है, इसकी वजह से थ्रोम्बोसिस होते हैं इन द ब्लड वेसल के अंदर, ठीक है, तो तब पता चल जाएगा, तब क्लॉटिंग होने लगी, जब इसका लेवल बढ़ जाएगा तब अंदाज़ा लगा लेना कि इसका ब्लड क्लॉटिंग हो सकता है। फिर ऐसे लोग जिनके अंदर डीमर ज़्यादा होएगा वो ज़्यादा प्रोन है सीवियर रेस्पिरेटरी जो दिक्कतें आएंगी, कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, ठीक है, तो वो लोग ज़्यादा प्रोन होंगे। तो ये एक अपने को इंडिकेशन है कि ये एक टेस्ट कराई कि डीमर की सिचुएशन क्या है, कि डीमर ज़्यादा तो नहीं है शरीर में, अगर ज़्यादा पाया जाता है तो ये एक इंडिकेशन है कि ये काफ़ी क्रिटिकल स्टेज की तरफ पर्टिकुलर पेशेंट मूव कर रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए और क्या बताया जा रहा है कि एक्सटेंसिव
ब्लड क्लॉट इन द स्मॉल वेसल ऑफ द लंग, ठीक है, जो अगर ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड क्लॉट हो जाएगा तब जाके माइक्रोवास्कुलर थ्रोम्बोसिस देखने को मिल सकता है। माइक्रोवास्कुलर थ्रोम्बोसिस यानी कि ब्लड क्लॉट हो जाएगा, फिर जो ऑक्सीजन है और ब्लड सप्लाई है वो अच्छे से हो नहीं पाएगा, तो रेस्पिरेटरी दिक्कत की वजह से डेथ देखने को मिल सकती है। अब देखिए आगे क्या बताया जा रहा है कि ब्लड क्लॉट विच कॉजेज पुअर ऑक्सीजनेशन एंड रेस्पिरेटरी फेलियर, जैसा कि मैंने आपको बताया। और क्या बात बताई जा रही है, तो इसका एक इलाज बताया जा रहा है, नीड फॉर द इंटरवेंशन। तो इंटरवेंशन क्या किया जाता है कि इसको चेकअप कराइए, डायग्नोस कराइए और ब्लड थिनर दे सकते हैं, एंटीकोगुलेशन, ठीक है, एंटीकोगुलेशन यानी जो ब्लड को पतला करे, जो ये क्लॉटिंग है उसके अगेंस्ट में काम करे, ऐसी कोई दवाई बहुत सारी आती है उसको देकर जो ब्लड है उसको थिन कराया जा सकता है। अब आगे देखिए क्या बोला गया है कि रेट ऑफ द ब्रीडिंग एट द रेट ऑफ 20 पर मिनट, ये चेक कराया जा सकता है कि रेट ऑफ ब्रीथिंग एंड लोअर लेवल ऑफ ऑक्सीजन, अगर लेवल ऑफ ऑक्सीजन कम है, ठीक है, इन द फिंगर्स, जिससे चेक किया जा सकता है, पल्स ऑक्सीमीटर एक डिवाइस है जिससे ऑक्सीजन का आप कह सकते हो चेकअप कर सकते हो कि ऑक्सीजन डिमांड क्या है बॉडी की और कितना ऑक्सीजन पहुँच रहा है, ठीक है, विच इज़ इजीली चेक इन द हॉस्पिटल एट प्रेजेंटेशन, ठीक है, लेस देन 93% इवन वैन दे लुक रिलेटिवली वेल, ठीक है, बहुत सारे लोग ठीक भी दिखते हैं लेकिन ऑक्सीजन डिमांड काफ़ी होती है, ठीक है, तो वो सब अब फटाफट ये डिवाइस काफ़ी हैंडी होती है, उससे चेक कर सकते हो बहुत सारे पेशेंट्स का, ठीक है। अब देखिए आगे बोला ये कि डी डीमर लेवल है शुड बी चेक्ड इमीडिएटली, इसका लेवल जैसा कि पहले ही बताया कि डी डीमर का लेवल भी चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर इसका लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसका ब्लड क्लॉट हो सकता है लंग्स के अंदर, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोला गया, यू फाउंड टू बी एलिवेटेड एज 2-3 fold से ज़्यादा, 2-3 गुना से ज़्यादा एलिवेटेड पाया गया डी डीमर, देन दिस कुड इंडिकेट द इवॉल्विंग कंडीशन इन द लंग्स, सच पेशेंट शुड इमीडिएटली रिसीव कॉमनली यूज ब्लड थिनर, ठीक है, तो ब्लड थिनर दे देना चाहिए, जैसे कि हेपेरिन है, ठीक है, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन है, तो ये सब दवाइयाँ हैं जो दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बताया गया कि अब ब्लड थिनिंग और डी डीमर, ठीक है, ये सब चीज़ों को भी अभी कंसिडरेशन में लेना चाहिए जो मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग हैं उनको, तो फिर पता लगाया जा सकता है और बहुत सारे डेथ को बचाया जा सकता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टडी आ जाइए। अब यहाँ देखिए मंकीज़ की बात की जा रही है कि मंकीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंट है री इन्फेक्शन को, यानी एक बार मंकी अगर इन्फेक्ट हो गया तो उसको री इन्फेक्शन के चांस काफ़ी कम है। तो अभी एक स्टडी की गई है जो रेसस मंकी है उसके ऊपर, तो ये पाया गया है कि पहली बार तो सारे ही इन्फेक्ट हो गए, लेकिन जब दूसरी बार उनको इन्फेक्ट किया गया तो काफ़ी माइल्ड सा उनके ऊपर असर देखने को मिला, यानी ज़्यादा असर देखने को मिला नहीं है, ठीक है। तो बंदरों में तो काफ़ी एक पॉजिटिव चीज़ देखने को मिली, लेकिन अभी इंसानों के ऊपर कोई भी स्टडी देखने को मिली नहीं है कि री इन्फेक्शन होगा नहीं होगा। इसलिए जो WHO ने बात की थी कि वो एक इम्यूनिटी सर्टिफिकेट जारी करेगा, और इम्यूनिटी सर्टिफिकेट अगर आप लेके जाएंगे तो आपका इंटरनेशनल ट्रैवल अलाउ हो पाएगा, तो वो भी डेंजरस है, उसको भी चालू करना मुश्किल है जब तक स्टडी निकल कर नहीं आ पाती कि ह्यूमन के ऊपर री इन्फेक्शन के क्या आप कह सकते हो कि क्या रिजल्ट हैं या हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अब देखिए जो 3 topic आज कवर किए गए हैं काफ़ी डिटेल में, वो इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर बात की गई है, फिर इंडिया नेपाल के ऊपर बात की गई है, और जम्मू कश्मीर के जो डोमोसाइल है उसके ऊपर बात की गई है, ठीक है। तो चलिए इसको कवर करते हैं। देखिए पहले इंडिया और चाइना वाला रीजन कवर करते हैं कि यहाँ पर क्यों दिक्कतें चालू है इंडिया और चाइना के बीच में। तो अभी हमने देखा इंडिया और चाइना के बीच में जो लद्दाख वाला रीजन है, जो नाकुला वाला रीजन है, जो पेंगोंग लेक है, वहाँ पे काफ़ी स्क्रमिशेस मुठभेड़ देखने को मिली है जो भारतीय सेना और चाइनीज सेना है, तो इसमें इशू क्या निकल के आ रहा है। तो अभी देखिए 4 different locations की बात की गई है इसमें, जो LAC वाले रीजन है वहाँ पर, जो पेंगोंग वाला लेक है वहाँ पर, जो नाकुला रीजन है सिक्किम में वो गलवन वैली है, और जो डैम चौक है, ठीक है, इन रीजनों के ऊपर बात की गई है, तो कि यहाँ पर ज़्यादा मुठभेड़ देखने को मिल रही है। तो अभी जो हमारे चीफ हैं आर्मी के जनरल नरावणे, ठीक है, जनरल मनोज मुकुंद नरावणे, उन्होंने विजिट किया लद्दाख वाले रीजन में और देखा कि सिचुएशन वहाँ पर ग्राउंड लेवल पे क्या चल रही है। अब देखिए बोला गया है कि वाई डू फेस ऑफ अकर, ये फेस ऑफ हो क्यों रहा है। तो इंडिया एंड चाइना हैव ओवरलैपिंग क्लेम, जो LAC वाला पोर्शन है उसमें बहुत सी टेरिटरी ऐसा है जिसमें इंडिया और चाइना दोनों ही क्लेम करते हैं कि ये हमारा रीजन है, और वो पर्टिकुलरली आप कह सकते हो कि डिमार्केट नहीं है कि क्या इंडिया क्या चाइना, ठीक है, तो उसकी वजह से काफ़ी इशू देखने को मिलता है। और यहाँ पर देखिए बोला गया डिफरिंग परसेप्शन आर पर्टिकुलरली अक्यूट इन अराउंड 2 dozen spots अक्रॉस द वेस्टर्न लद्दाख, मिडल हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, और ईस्टर्न वाला जो सेक्टर है अरुणाचल वाला। जैसा कि मैं आपको बता दूँ, जो ये वाला लद्दाख और उत्तराखंड और ये जो
सिक्किम और अरुणाचल वाला रीजन है, इसको वहाँ पर सेक्टर्स में गिना जाता है। तो ये जो लद्दाख वाला रीजन है ये वेस्टर्न सेक्टर में आता है, जो हिमाचल और उत्तराखंड वाला रीजन है, सिक्किम विक्किम ये सब किस में आ गया, ये सब आ गया अपने मिडल वाले सेक्टर में, और जो अरुणाचल है वो ईस्टर्न सेक्टर में आ जाता है। तो इस तरीके से वहाँ जो लोकेशन है वो सेक्टर्स में डिवाइड है। और एक प्रोटोकॉल अग्री किया गया था 2005 में एंड 2013 में, डिटेल रूल ऑफ एंगेजमेंट टू प्रिवेंट सच इंसिडेंट बट हैव नॉट ऑलवेज बीन एडहर्ड। तो उस टाइम पे ऐसे इंसिडेंट्स को अवॉइड करने के लिए बात की गई थी, लेकिन कभी उसके ऊपर एडहेरेंस नहीं दिखाई गई, उसके ऊपर काम, उसके ऊपर मतलब इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया, उसको ट्रू स्पिरिट में नहीं फॉलो किया गया आप कह सकते हो। अब देखिए बोला गया व्हाट इज़ द बाइंडिंग, व्हाट इज़ बिहाइंड द लेटेस्ट टेंशन, कि अभी जो लेटेस्ट टेंशन चल रहा है उसके पीछे क्या है। तो हमने देखा कि गलवन वैली में जिस तरीके से सिचुएशन खराब हो रही है, चाइना मूविंग इन ट्रूप एंड इक्विपमेंट टू स्टॉप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इन इंडिया, दिल्ली सेज दिस वॉज वेल विद इन द इंडियन साइड ऑफ दी LAC। तो हमने अभी LAC के यहाँ पर जो इंडियन टेरिटरी रीजन है वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, तब जाके जो चाइनीज ट्रूप है वो लोग इंटरवीन कर रहे थे, ठीक है। तो काफ़ी आप कह सकते हो कि इंटरफेरेंस कर रहे थे इंडियन पेट्रोलियम और इंडियन कंस्ट्रक्शन के बीच में, इसलिए जो स्किरमिशेस है, जो मुठभेड़ है वो देखने को मिल रही है। सिक्किम इज़ समवॉट अनएक्सपेक्टेड एज द कंट्रोल ऑफ द LAC, ठीक है। द इंसिडेंट इन द सिक्किम इज समवॉट अनएक्सपेक्टेड एज द कंट्रोल ऑफ द LAC आर ब्रॉडली अग्रीड टू इन दिस सेक्टर। तो यहाँ पर काफ़ी कम देखने को मिलता है मुठभेड़, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो एरिया हैं उनका डिमार्केशन काफ़ी फिक्स है कि हाँ ये वाला इलाका आपका, ये वाला इलाका हमारा है। तो सिक्किम में काफ़ी कम देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी अभी नाकुला जो सिक्किम के पास है, नाकुला पास के यहाँ पे मुठभेड़ देखने को मिली है। अब देखिए आगे क्या बताया जा रहा है कि म्यूचुअल एंड इक्वल सिक्योरिटी की बात की गई थी पहले, हमने जब कितनी भी सिटिंग की है इसके ऊपर बात करने के लिए, तो ये बात हुई थी कि म्यूचुअल और इक्वल सिक्योरिटी लेके चलेंगे, ऐसी मुठभेड़ों से बचेंगे, ठीक है। अब देखिए ये भी बात बताई जा रही है कि जो चाइना वाला रीजन है वो काफ़ी, उनको ट्रांसपोर्टेशन आवन जावन के लिए काफ़ी सही है, और जो इंडियन टेरेन है वो काफ़ी हिली टेरेन है, काफ़ी ऐसा टेरेन है कि जिसमें आप कह सकते हो कि मूव करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो ये भी बात बताई गई थी कि ये भी पॉइंट कंसिडरेशन में रखा जाएगा इन फ्यूचर, अगर कुछ ऊपर नीचे होता है दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में, तो अभी उसको भी नहीं देख कंसिडरेशन में लिया जा रहा है। अब देखिए वाई हैज़ नॉट LAC बीन क्लैरिफाइड, तो LAC को साफ साफ डिक्लेयर क्यों नहीं कर देते कि ये वाला इलाका आपका, ये वाला इलाका हमारा है। तो देखिए मैप्स वर एक्सचेंज इन द मिडल सेक्टर बट द एक्सरसाइज फेल थ्रू इन द वेस्टर्न सेक्टर वेयर डाइवर्जेंस इज दी ग्रेटेस्ट, ठीक है। जो वेस्टर्न सेक्टर है, जो मिडल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम वगैरह वाले रीजन है, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ पर इतनी दिक्कत नहीं है, यहाँ पर काफ़ी तक जो डिमार्केशन है वो फिक्स है कि हाँ ये इलाका आपका, ये इलाका हमारा है। लेकिन जो लद्दाख वाला रीजन है वहाँ पर काफ़ी ऐसे रीजन है जहाँ पर चीज़ें फिक्स नहीं है, और जो अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है वहाँ पर भी, जो तवांग वाला रीजन है उसको भी चाइना क्लेम करता है कि वो उसका है, तो वहाँ पर भी दिक्कत है। अब देखिए आगे क्या बताया जा रहा है कि व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ द बाउंड्रीज नेगोशिएशन, स्टेट ऑफ दी बाउंड्री नेगोशिएशन यानी जो बाउंड्री नेगोशिएशन है उसके अभी क्या चल रहे हैं। तो देखिए 22 राउंड ऑफ टॉक बिटवीन द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अजीत डोवाल, ठीक है, और जो वहाँ के उनके काउंटर पार्ट हैं वांग ये, इनके बीच में हुआ था दिसंबर 2019 के बीच में। तो बोथ अग्रीड एन अर्ली सेटलमेंट ऑफ द बाउंड्री क्वेश्चन सर्व द फंडामेंटल इंटरेस्ट ऑफ बोथ द कंट्री, ठीक है। तो दोनों अग्री कर गए कि अर्ली सेटलमेंट ऑफ द बाउंड्री क्वेश्चन दोनों ही कंट्री के पक्ष में है कि जल्दी से जल्दी हमें इस बॉर्डर जो दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट है इसको सॉल्व करना चाहिए। रिजॉल्व टू इंटेंसिफाई देयर एफर्ट टू अचीव अ फेयर रीजनेबल म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सोल्यूशन, तो एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल जिसको दोनों कंट्री मान सके ऐसे सोल्यूशन हमें लेके आने, इसके ऊपर बात की गई थी, लेकिन अभी भी कुछ भी निकल के सामने को आया नहीं है। व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट ऑफ ए सेटलमेंट, ठीक है, तो सेटलमेंट के क्या क्या प्रोस्पेक्ट हैं। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि द मेन डिफरेंसेज इन द वेस्टर्न सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर जो लद्दाख वाला रीजन हो गया, ठीक है, ईस्टर्न क्या अरुणाचल वाला रीजन हो गया। तो देखिए जो वेस्टर्न सेक्टर है वहाँ पर 48,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो टेरिटरी है उसके ऊपर इशू है, और जो चाइना का, और जो चाइना कह रहे हैं कि उसकी टेरिटरी है वो क्लेम कर रहे हैं, और जो अरुणाचल का तवांग वाला रीजन है उसमें 90,000 स्क्वायर किलोमीटर के रीजन को क्लेम कर रहा है, तो बहुत बड़ा सेक्टर क्लेम कर रहा है, ठीक है। तो ये इशू है एक, और एट द सेम टाइम द मोस्ट रियलिस्टिक सोल्यूशन विल इन्वॉल्व ओनली माइनर एडजस्टमेंट अलॉन्ग द LAC, ठीक है, कंसिडरिंग नाइदर साइड विल बी विलिंग टू पार्ट विद द टेरिटरी ऑलरेडी है। तो एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि आप बहुत सारी टेरिटरी को ऐसा कर सकते हो कि कुछ टेरिटरी जो डिस्प्यूटेड है उसको चाइना को दे दो, जो उसकी टेरिटरी चाइना के पास जो डिस्प्यूटेड है वो भारत को दे दो, ऐसे लेन देन करके आप चीज़ें सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये दोनों ही कंट्री करने वाली नहीं है, ठीक है। अब 2005 के एग्रीमेंट की बात की गई है, सेड बोथ साइड शैल सेफ गार्ड ड्यू इंटरेस्ट ऑफ द सेटल्ड पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन है उसको इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना चाहिए, पॉपुलेशन को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चाइना क्लेम टू ताइवांग इन द अरुणाचल, ठीक है, जो ताइवांग वाला रीजन है उसको चाइना किस तरीके से क्लेम कर रहे हैं।
अब देखिए, दाई बिंगू मिस्टर वांग प्रेडिसेसर सेड 2017 दैट डिस्प्यूटेड टेरिटरी इन द ईस्टर्न सेक्टर इंक्लूडिंग तवांग इज इन एलियनेबल फ्रॉम चाइना टिबेट इन द टर्म ऑफ द कल्चरल बैकग्राउंड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यूरिडिक्शन। तो ये उनका कहना था तवांग को लेकर कि जो तवांग वाला रीजन है वो तिबेट के से कल्चरली जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके ऊपर इंडिया का क्लेम नहीं हो सकता है और ये चाइनीज कंट्री में आएगा क्योंकि ये तिबेत के कल्चर से मेल खा रहा है और तिबेत कल्चरल इससे जुड़ा हुआ है। तो ये एक उनका पॉइंट है कि किस पॉइंट पे वो कह रहे हैं कि चाइना वाला रीजन उनका है, ठीक है। तो ये एक इशू, अभी देखते हैं कि किस तरीके से चाइना और इंडिया लेके चलेंगे। अब देखिए, नेपाल और इंडिया की यहाँ पे बात की गई है कि नेपाल इंडिया फाइटिंग ओवर काला पानी, ठीक है। तो इसको मैप में पहले दिखाता हूँ आपको कि रीजन कहाँ पर है। अगर आप मैप देखेंगे, देखिए थोड़ा मैं अगर जूम करूँ, ठीक है, तो देखिए ये नेपाल आ गया, ये उत्तराखंड आ गया, ठीक है। अब थोड़ा और जूम करूँ तो ये जो ट्रांजेक्शन है नेपाल इंडिया और चाइना का, तो यहाँ पर ये इशू मेनली फैला हुआ है कि यहाँ पर जो काला पानी वाला रीजन है, ठीक है, उसको लेके मेनली ये मुद्दा बना हुआ है। चलिए देख लेते हैं आर्टिकल क्या कह रहे हैं। अब देखिए बोला गया है, व्हाट इज़ द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ द रीजन, व्हाट डू बोथ साइड टेक क्लेम ऑफ द एरिया, ठीक है, कि दोनों साइड क्या क्लेम कर रहे हैं और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट क्या है एरिया की, ठीक है। देखिए, काला पानी विच राइज इन द ईस्टर्न मोस्ट कॉर्नर ऑफ द उत्तराखंड पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तराखंड। बोथ नेपाल इंडिया क्लेम कर रहे हैं कि वो रीजन काला पानी वाला हमारा है, ठीक है। इंडिया पब्लिश, जो इंडिया ने अभी मैप पब्लिश किया था, जो हमने बाइफर्केशन ऑफ द जम्मू कश्मीर किया था 5th अगस्त 2019 को, तो उसके बाद हमने नया मैप निकाला था जिसमें हमने काला पानी को अपने अंडर दिखाया था। उसके बाद से ही भारत और नेपाल के रिश्ते बिगड़ने शुरू हो गए, फिर नेपाल ने फिर अपना डिसएग्रीमेंट दिखाया था कि ये भारत ने अपने टेरिटरी में दिखाया ये गलत है। अब देखिए बात की जा रही है दारूचला और लिपुलेख पास लिंक, ठीक है, ये एक लिंक रोड अभी हमारे जो रक्षा मंत्री है राजनाथ साहब उन्होंने इनॉग्रेट किया है। इसके तहत जो मानसरोवर की यात्रा है, कैलाश मानसरोवर, वो काफ़ी आसान हो जाएगी। तो इसके ऊपर भी जो नेपाल सरकार है कह रहे हैं कि ये लिंक रोड भी काला पानी वाले रीजन डिस्प्यूटेड एरिया से पास हो रहा है, तो इसके अगेंस्ट में भी उनके वो कह रहे हैं कि ये भी गलत है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कैसे चीज़ों को सॉल्व किया जाता है, जबकि भारत ने ये कहा है कि इसको तो हमने विद इन टेरिटरी ही बनाया, हमारी टेरिटरी के अंदर ही बनाया, ये पहले एरिया काफ़ी उबड़ खाबड़ था तो ट्रैवल करने के लिए दिक्कत होती थी, इसलिए अभी हमने वहाँ पर एक वेल बिल्ट रोड बना दिया है, सेम लोकेशन पर हमने एरिया बिल्कुल भी बदला नहीं है, ठीक है। तो ये भारत का कहना था। अब देखिए, वेयर इज़ काला पानी लोकेटेड, तो काला पानी कहाँ पर है, जैसा कि हमने देख लिया, ईस्टर्न मोस्ट कॉर्नर ऑफ दी उत्तराखंड पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट वाला। और ये जो ज़्यादा दिक्कत जहाँ पर चल रही है, कौन से रीजन को लेकर दिक्कत है, तो देखिए, द रीजन रिजेंबल्स ए स्लाइस ऑफ केक वेज इन बिटवीन, जो लिम्पी या धूरा लिपू लेक और काला पानी वाला रीजन है, ठीक है। तो इसके बीच में ही जो डिस्प्यूटेड एरिया है वो लिपू लेक जो पास है और जो लिम्पिया धूरा है और जो काला पानी वाला रीजन है, इसके बीच में वो आप कह सकते हैं उसके बीच में वो रीजन है जो डिस्प्यूटेड है। द एरिया इज़ द लार्जेस्ट टेरिटोरियल डिस्प्यूट बिटवीन नेपाल एंड इंडिया, ठीक है। कितना 37,000 हेक्टर ऑफ द लैंड है हाई हिमालय में। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द डिस्प्यूट, तो डिस्प्यूट का कॉज क्या है, तो काला पानी वाला जो रीजन है डिराइव इन द नेम फ्रॉम द काली रिवर, और जो काली रिवर है वहाँ पर उत्तराखंड वाले रीजन में, तो जो ट्रीटी ऑफ सगौली हुई थी जब ब्रिटिश इंडिया चल रहा था और जो नेपाल के राजा थे उनके बीच में, जब एंग्लो ने गुरखा वॉर और एंग्लो नेपाल वॉर, ये वॉर हुई थी उसमें नेपाल हार गया था, तो ब्रिटिश के साथ ट्रीटी ऑफ सगौली 1816 में साइन की गई थी, जिसमें रेटिफाई किया गया था कि जो काली लिवर की बाउंड्री है उसके जो ईस्टर्न साइड में वो रीजन होगा नेपाल का, और जो वेस्टर्न साइड वाला रीजन है वो पूरा भारत का रीजन होगा। लेकिन अब मेन मुद्दा यही निकल कर आ रहा है कि जो नेपाल है वो कह रहा है कि जो काली रिवर है उसको आप कहाँ से मानोगे, अब बात हो जा रही है कि इसके सोर्सिंग पे, ठीक है। तो मेन इशू अभी वही बन के आ रहा है कि जो सोर्स है, नेपाल कह रहा है कि सोर्स जो भारत कह रहा है वो सोर्स नहीं, जबकि सोर्स होगा लिम्फिया धूरा वाला, जो जहाँ से ये आप कह सकते जिसका ओरिजिन है वो पहाड़ के ऊपर काफ़ी ऊपर से ओरिजिन है, तो अगर वहाँ से ओरिजिन लोगे तो काफ़ी वेस्ट में हो जाता है और इसको काफ़ी और स्पेस मिल जाता है, काफ़ी टेरिटरी नेपाल के अंदर चली जाती है। तो नेपाल कहता है ओरिजिन इसको माना जाए, लेकिन भारत कहता है ओरिजिन काली रिवर को माना जाए, जो ये वाली रिवर है, ठीक है, क्योंकि जो काला पानी वाला रीजन है उसको खुद का नाम भी इसी नदी के ऊपर बेस मिला है। तो ये सब बातें अभी चल रही है। अब देख, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 5 ऑफ द ट्रीटी कहता है, द किंग ऑफ द नेपाल गेव अप हिज क्लेम टू द रीजन वेस्ट टू द रिवर, तो जो रिवर थी उसके वेस्ट में जितना भी रीजन है उसके ऊपर अपना क्लेम नेपाल वहीं उसी टाइम ख़त्म कर चुका था। इट्स ओरिजिनेट इन द हिमालय एंड फ्लो
इनटू द ग्रेटर प्लेन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो ये काली रिवर की वहाँ पे बात की गई है। अब अकॉर्डिंग टू द नेपाल एक्सपर्ट द ईस्ट ऑफ द काली रिवर शुड बिगिन द सोर्स ऑफ द रिवर, द सोर्स अकॉर्डिंग टू दैम इज द माउंटेन नियर लिम्पिया धूरा। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन बताया, वही सारी बात बताई जा रही है कि किस तरीके से ये क्लेम कर रहे कि ऊपर से अब बाउंड्री बनाई है, नीचे से नहीं। अब देखिए, वाई इज़ लिपू लेक पास इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो लिपू लेक पास इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि काफ़ी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वहाँ पर। अगर चाइना वगैरह आकर कह सकते हो कि अगर मिलिट्री एंटर कर दें तो काफ़ी जल्दी ही दिल्ली तक पहुंच जाएंगे, तो स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। और जो हिंदू बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज के लिए, कैलाश मानसरोवर के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पास है वो। तो ये सिचुएशन है, ये इंपॉर्टेंस है लिपू लेक की। व्हाट आर द नेपाल क्लेम रिगार्डिंग लिपू लेक? तो लिपू लेक को लेकर नेपाल का क्या क्लेम है, ठीक है। तो नेपाल, देखिए यहाँ पे बात की गई है कि जो 1962 में वॉर हुई थी, ठीक है, 1962 वॉर में इसका काफ़ी हाईलाइटन हो गया था, ये काफ़ी एम्पलीफाई कर दिया था, इस पास को काफ़ी इंपॉर्टेंस मिली थी। अब पास सेला, सेला इन तवांग, इसकी भी बात की गई थी कि उस टाइम पे जो तवांग में ये पास है सेला, उसका यूज़ किया गया था, उसका यूज़ करके चाइना अंदर आया था, ठीक है। तो उस टाइम पे पता चला था कि लेपू लेक पास का भी कितना इंपॉर्टेंस है और इसको यूज़ किया जा सकता है एज अ, आप कह सकते हो, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए, यानी मिलिट्री वगैरह की इंपॉर्टेंस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो नेपाल का भी इसमें काफ़ी, आप कह सकते हो कि इंपॉर्टेंस दिखाता है कि कहता है ये काफ़ी जो पास है उसमें काला पानी वाले टेरिटरी में भी क्रॉस कर रहा है, इसलिए नेपाल भी इंटरफियर करता है। देखिए, वेयर हैव नेपाल एंड इंडिया अर्थ, तो दोनों में आप कह सकते हो मतभेद कब चालू हो गया? तो देखिए, 2015 लिपू लेक अग्रीमेंट बिटवीन द इंडिया एंड चाइना विच रिन्यूड इंडिया मानसरोवर पिलग्रिमेज कनेक्शन। तो 2015 में जो लिपू लेक अग्रीमेंट हुआ था भारत और चाइना के बीच में, ठीक है, हमने चाइना के साथ मिलकर एक अग्रीमेंट बना लिया था कि लिपू लेक के पास करेंगे और जो कैलाश मानसरोवर के लिए पिलग्रिमेज है, यात्रा है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इसमें हमने नेपाल को पार्टनर नहीं बनाया, उसकी बात सुनी नहीं, उसको टेबल पर बुलाया नहीं, तो इससे नेपाल काफ़ी खफा था, ठीक है। उसके बाद से ही हमें इंडिया और नेपाल के रिश्तों के बीच में थोड़ी खटास देखने को मिली। तो अभी करंट पोजीशन क्या है कि नेपाल हैज़ पब्लिश अ न्यू रिवाइज मैप, नेपाल ने भी एक नया मैप बनाया है जिसमें उसने काला पानी और लिपू लेक वाला जो काफ़ी रीजन है उसने अपने आप कह सकते हो अपने इनकॉर्पोरेटिंग द टेरिटरी ऑफ द लिम्पिया धूरा सोर्स ऑफ द काली टू काला पानी एंड द लिपू लेक पास, ये सब के बीच में जो रीजन है उसने अपने मैप में दिखाया है। तो अब देखने वाली बात होगी कैसे इसके ऊपर सोल्यूशन निकल के आता है। अब देखिए, ये जो साइड वाला आर्टिकल ये बात कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो डोमोसाइल रूल लाया गया उसके बारे में बात कर रहा है। तो इसमें अभी देखिए मैं आपको बता दूं क्या बात बताई जा रही है कि अभी डोमोसाइल के नए रूल्स वहाँ पे लाए गए हैं जम्मू कश्मीर में, जिसके तहत जो भी लोग वहाँ पे 15 साल से रह रहे हैं वो डोमोसाइल बनवा सकते हैं, या 7 साल से पढ़ाई कर रहे हैं जिसमें 10th और 12th अपने वहीं के इंस्टीट्यूट से की हो, तब आपको वहाँ की डोमोसाइल मिल सकती है, या आप वहाँ के सेंट्रल एम्प्लॉय हो और वहाँ के सेंट्रल एम्प्लॉय के चिल्ड्रन हो, ठीक है, तो उन लोगों को भी यहाँ पर मिल जाएगा आसानी से डोमोसाइल सर्टिफिकेट। तो इसमें बेनिफिट ये है कि पहले जो परमानेंट रेसिडेंट होते थे उनको ही वहाँ पर प्रॉपर्टी और जॉब वगैरह मिलती थी, लेकिन अभी सभी लोगों को ऑल ओवर दी कंट्री सभी लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, जो भी आप कह सकते हो कि जॉब और प्रॉपर्टी के अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इसमें बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी दी गई है जो डोमोसाइल ले सकते हैं। जैसे कि देखिए, मैंने आपको बताया वो 15 साल और 10 साल और एजुकेशन वाली बात, अब आगे देखिए कि माइग्रेंट जो थे पहले रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन जिसने रजिस्टर कराया है, ठीक है, वो लोग भी जाके रजिस्टर करा सकते हैं और डोमोसाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के चिल्ड्रन, ठीक है, जो इंडियन सर्विसेज में हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए, जो ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं सेंटर के उनमें, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं ऑफिशियल ऑफ दिस स्टेटूटरी बॉडीज़ उनके, ठीक है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के हैं, रिकॉग्नाइज रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, वो लोग टोटल पीरियड ऑफ 10 साल के लिए अगर वहाँ पे काम कर रहे हैं तो उनके जो रिलेटिव हैं, जो बच्चे हैं, उनको भी वहाँ का डोमोसाइल मिल सकता है, ठीक है, तो इन सब लोगों को मिल सकता है। और जो वेस्टर्न पाकिस्तान के रिफ्यूजीज हैं उनको भी मिल सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब प्रोविजन्स अभी लाए गए हैं कि किसको किसको यहाँ पर अभी डोमोसाइल देने की बात की जाएगी, ठीक है। और ये जो डोमोसाइल है अगर 15 दिन के अंदर नहीं मिला तो ऑफिशियल से उनको जुर्माने की भी बात की गई है। तो जो पहले का जो रूल था काफ़ी स्ट्रिक्ट था, जो वहीं के लोगों को जॉब देने की बात करता था, प्रॉपर्टी लेने की बात करता था, उसको अभी काफ़ी रिलैक्स किया गया है। और जो जम्मू कश्मीर है उसको भी मेन स्ट्रीम
आप कह सकते हो बाकी जैसे स्टेट हैं उनकी तरह कंसीडर किया जाएगा। और यहाँ देखिए जो ये एक पेज है इसमें कुछ स्पेशल टॉपिक्स कवर किए जाते हैं, इसमें देख लेते हैं कि क्या बात की जा रही है। तो यहाँ देखिए श्रीलंका की बात की गई है, तो श्रीलंका में अभी स्टेडियम बनाने की बात की जा रही थी, तो वहाँ के जो फॉर्मर क्रिकेटर हैं जयवर्धना, उन्होंने बात करी कि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे स्टेडियम बनाने की। और यहाँ देखिए अफगानिस्तान की बात की गई कि अफगानिस्तान में अभी हमने देखा है किस तरीके से कोलिशन की सरकार बनी है, जो अब्दुल्ला अब्दुल्ला की सरकार है और जो अशरफ गानी की सरकार है। तो अब देखने वाली बात होगी जो अब्दुल्ला अब्दुल्ला है वो तालिबान को किस तरीके से हैंडल करते हैं, जो वहाँ पर अभी तक टेररिज्म फैला रहा है। और यहाँ पर ब्राज़ील की बात की गई कि ब्राज़ील में किस तरीके से अभी भी अनस्टेबिलिटी बनी हुई है। और यहाँ देखिए जापान की बात की गई, जो जापान में ये गेम है पैचिंको पार्लर, ये काफ़ी तरीके से अडिक्ट है लोग यहाँ के, ठीक है। देखिए ये स्पोर्ट्स वाला पेज है, इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट, ये देखिए ये एक इंपॉर्टेंट आया है कि कुछ नए स्पीशीज़ मिले हैं अभी। तो देखिए जो केरला है वहाँ पर ये स्पीशीज़ मिली है, यूजेनिया स्फेरो स्फेरो कार्पा, यूजेनिया स्फेरो कार्पा, ये केरला केरला में मिली ये स्पीशीज, केरला के कौन सी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में, ठीक है, वहाँ पर मिली है। और ये वाली जो दो स्पीशीज है गैनियोथैलेमस सेरेसियस और मेमेसाइलस नर्वेसम, ये दोनों मिली है कन्याकुमारी जो तमिलनाडु के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पर मिली है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ मिली है, इसके नाम याद रखना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि ये काफ़ी टाइम पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम्स में, ठीक है, तो इसको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। और देखिए ये वाला जो है केरला वाला, ये कहाँ मलाबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिली है केरला के, केरला की और कुछ फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे कि साइलेंट वैली हो गई, साइलेंट वैली भी केरला में, ठीक है। फिर और कौन सा है, फिर पेनेयार, पेनेयार है, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आप याद रख सकते हैं। और ये देखिए कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो तमिलनाडु में, वहाँ पर ये दोनों मिली है, ठीक है। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं, आप कल मिलेंगे कल की वीडियो में। चलिए शुक्रिया।